अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली आमिर। आज मैं एक नक्श दे रही है ये कारोबार में तरक्की के लिए, दुकान या कारोबार के तरक्की के लिए। बहुत ही आसान सा है ये, बहुत आसान इसका तरीका है। आप एक सफ़ेद कागज़ ले लो, ठीक है। पहले आप अपने जिस्म को पाक साफ कर लो, ठीक है। पाक साफ हो के इसको आपको बनानी होगी, और अगर ज़ाफ़रान से बनाएगी तो बहुत अच्छा बात है। ज़ाफ़रान से नहीं बनाएगी तो फिर जैसे मैं लाल पॉइंटर से बनाइए, आप इससे बना लो फिर, ठीक है। मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए लाल और काला पॉइंटर से बनाइए, आप सिर्फ लाल से बना लो, ठीक है। लेकिन अगर ज़ाफ़रान से बनाएगी तो बहुत अच्छा बात है, फिर मैं कह रही है, बाकी आपका मर्जी है, ठीक है। जुमेरात या जुमा का दिन और रोजे माह में, यानी चांद के 1 से 14 तारीख के दरमियान किसी भी जुमेरात या जुमा का दिन आप इसको बना लो एक सफ़ेद कागज़ पे, इसी तरह से जिस तरह से मैं बनाई है। तीन चांद है और तीन तारा है, कोई चाल नहीं है। आप ऊपर से इसको बनाना शुरू कर दो, ठीक है। जब ये आपका बन जाएगा, तीन चांद और तीन तारा, बिल्कुल इसी तरह से, तो आप ये जो इसके अंदर सितारा आप देख रही है, इसके अंदर सितारा का बीच में जगह खाली है, ठीक है। तो सितारा का बीच वाला जो जगह है, इसको इतना बड़ा रखना कि इसके अंदर आप अपना और अपना माँ का नाम लिख सको, ठीक है। सितारा को इतना बड़ा बनाना कि इसका जो दरमियान वाला जगह जो खाली आप देख रहा हो, ये इतना बड़ा हो कि इसके अंदर आप अपना और अपना माँ का नाम लिख सको, ठीक है। इन तीनों सितारों का जो दरमियान वाला जगह है, इसके अंदर आप अपना और अपना माँ का नाम लिख देना, ठीक है। ये आपका नक्श तैयार हो गई है बिल्कुल। अब आप इसको फ्रेम के अंदर करके अपना दुकान के अंदर लगा दो, या अपना कारोबार जो बिजनेस वगैरह करती है, अपना ऑफिस वगैरह के अंदर आप इसको लगा दो फ्रेम करके। किसी भी दीवार पे लगा देना भाई, बाद में ये भी कोई सवाल पूछ लेगी कि कौन सा दीवार पे लगा है, तो जिस पे दिल करे उस पे लगा दो, अपना सामने मुंह का सामने लगा दो बस, या दरवाजे के सामने लगा दो, जिधर दिल करे उधर लगा दो, ठीक है। इंशाल्लाह आपका कारोबार में तरक्की होगी, अल्लाह ताला बरकत देगी। अस्सलाम वालेकुम।